अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में मोहम्मद इकबाल आपको खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, आपके तमाम बहन भाई ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये है मेरा काला तितर। अभी इसको मैंने दिए हैं बादाम, आपको मैं दिखाता हूँ। बादाम कुतर के इसको दिया है दोस्तों, ये अभी बादाम इसको कुतर के इस केज में दिया है। ये मेरा बेस्ट काला तितर है। अभी काफ़ी दिनों से दोस्तों अभी बोलना छोड़ गया है। ये जितने भी शौकीन हजरात हैं उन तमाम दोस्तों के तितर अभी बोलना छोड़ गए। जैसे सर्दी की थोड़ी लहर आई है कि तितर सारे बोलना छोड़ गए और खामोश हैं। और ये अभी दोस्तों स्टार्ट होंगे जाकर तीसरे महीने में, यानी कि मार्च के एंड पे जाकर ये स्टार्ट होंगे। अभी तक ये सर्दी के मौसम में ये बोलना छोड़ जाते हैं। किसी टाइम कोई कोई जाने के जो अच्छा तितर है वो बोल लेता है, नहीं तो पूरा दिन यानी कि पूरी रात वो खामोश रहते हैं। तो अभी ये मेरा खुद बेस्ट तितर है। आप दोस्तों को भी, जैसे कि यूट्यूब में मैंने इसकी काफ़ी सारी वीडियो अपलोड की हुई है मोहम्मद इकबाल के नाम पे, आप दोस्त देख सकते हो। और इधर बड़े बड़े डिंग तितर जो है उनके साथ मैंने इनका मुकाबला कराया है, तो वो तितर भी खामोश हो गए और ये भी खामोश हो गए। काफ़ी दिनों से ये बोलना छोड़ गए। तो इसको दोस्तों तकरीबन कोई आज 15-20 दिन हो गए हैं बिल्कुल बोलना छोड़ गया है और खामोश खामोश है, क्योंकि अभी मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। पहले वाला मौसम नहीं रहा, रात को ठंड पड़ती है ठीक ठाक और सुबह को भी यानी फर्स्ट टाइम ठीक ठाक सर्दी होती है। तो इस वजह से ये सर्दी के मौसम की वजह से ये बोलना छोड़ गया। तो इसको जो डेली की रूटीन के मुताबिक दोस्तों मैं खुराक देता हूँ, तो अभी इसको बादाम दिए हैं, कुछ 4 बादाम दिए हैं। तो वैसे इसको जो डेली की रूटीन के मुताबिक मैं खुराक देता हूँ वो मूंग की दाल देता हूँ। तो मूंग की दाल आज थोड़ा भिगाने में थोड़ा लेट हो गए, इस वजह से इसको बादाम पहले दिए। तो मूंग की दाल 2 घंटे के बाद इसको फिर मूंग की दाल दूंगा आपके सामने। दोस्तों बिल्कुल ओपन है, डरदा डुरदा नहीं है। तो मैं खुद इधर सेन में बैठा हुआ हूँ और कबूतर भी खोले हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। कबूतरों को भी दाना डाला हुआ है। ये केज है मेरे दोस्तों कबूतरों के, जिसमें से एक केज में तोते रखे हुए हैं काठे, और एक केज में मैंने 200 कबूतर रखे हुए हैं। तो दोस्तों मौसम की वजह से मेरी खुद अभी तबीयत सही नहीं है, तो गला बैठा हुआ, इस वजह से मेरे से भी बोला नहीं जा रहा। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है मेरा दोस्त, उससे मेरी गुजारिश है मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करें, दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी मेरी बहन वीडियो देख रही है, वो चाहे इंडिया की है या किसी और मुल्क की है या इराक की है, तो उससे भी गुजारिश है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो आपके दोस्त नज़दीक हैं उन तक शेयर करें, ताकि जो भी मैं नवी वीडियो बना आप भाई और बहनों तक पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, तब तक दिया मोहम्मद इकबाल को इजाज़त। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगेबान। दुआ में याद रखना है।